आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो क्लास चल रहा है वो क्या चल रहा है, ट्रांसफार्मर चल रहा है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली अगर आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो तो 12 या 13 या 16 पार्ट में जाएंगे, ठीक है, जिस तरह मैं बता रही हूँ उस हिसाब से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका ट्रांसफार्मर का जो है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने की विधि। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था आपको लॉसेस बताया था, ठीक है। तो लॉसेस में बताया था क्या होता है, तो लॉसेस जो है दो टाइप का होता था। पहला क्या कि आयरन लॉस आपका, दूसरा कॉपर लॉस। आयरन लॉस जो क्या होता था उसमें दो लॉसेस आते थे, एक आता था एडी करंट लॉस और दूसरा आता था हिस्टेरेसिस लॉस। तो एडी करंट और हिस्टेरेसिस मैंने बता चुका है आपको, अगर नहीं देखे हो तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। तो मैं इसलिए इसको बता रही हूँ ना क्योंकि इसके बाद जो है छोटा सा टर्म था जो बताना चाह रही थी आपको, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस होते तो है मशीन में, ठीक है, होते तो है मशीन में, लेकिन मशीन में होने के बाद आप देखते कैसे हो या फिर क्या मतलब रीजन क्या है ये सब लॉसेस का। तो आप देखोगे कभी भी जब आप ट्रांसफार्मर, नए ट्रांसफार्मर को जब सप्लाई के लिए लगाते हैं ना, तो सप्लाई के लगाने के पहले जो उसका कुछ टेस्टिंग होता है, तो उस टेस्टिंग में जो है ना इम्पोर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है क्या कि आपका जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो पता कैसे करते हैं, तो देखिए सिंपल सा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। अगर नहीं याद होता है, कभी भी आप बुक पे रखते हो, बुक पे पढ़ते हो तो ज्यादातर दिमाग में नहीं रहता है, तो याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है क्या है, आप ये याद रख सकते हो CS और OP, ठीक है। क्या है ये, आइए, ठीक है, ये मैंने इस ढंग से याद किया है, ठीक है, ताकि आपको भी बताना चाहूंगी कि इससे आप जो है क्लियरली याद रख पाओगे हमेशा के लिए। ये जो CS आप देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं और कॉपर लॉस है, ठीक है। पूछा जाएगा कि कॉपर लॉस किससे पता कर सकते हैं आप, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पता कर सकते हैं। किससे पता कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ठीक है। सेकंड हमारा जो है वो क्या, आयरन लॉस किससे पता कर सकते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट है। ये दोनों सर्किट टेस्ट जो है ये होना बहुत कंपलसरी है। आप कभी भी ट्रांसफार्मर को, न्यू ट्रांसफार्मर को सप्लाई के साथ लगाओगे तो उससे पहले ये सब चेकिंग होता है, ये सब जो है टेस्ट होते हैं इसमें, ठीक है, पता करने के लिए कि आपका कितना आयरन लॉस हो रहा है, कॉपर लॉस है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोई भी मशीन जो होता है क्या होता है उसमें अपना रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण क्या होता है, गर्म होता है वो। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसको इतना दूर लाने का मतलब यही था कि आप बता सके ये जो लॉसेस होते हैं ना, लॉसेस के कारण ही गर्मी उत्पन्न होती है। क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है, उसी गर्म जो है बाइंडिंग। अब गर्मी कहाँ उत्पन्न होगी, तो ऑब्वियसली तेल में हो सकती है, वाइंडिंग में हो सकती है। तो क्वेश्चन इतना भी आता है कि तेल का जो टेम्परेचर ज्यादा होता है कि वाइंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो आपको बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि जो वाइंडिंग का टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर कंपैरिजन किया जाए वाइंडिंग और तेल, वाइंडिंग और ऑयल में, तो आपको ये भी मैंने बता रखा है पहले कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता है वो कौन सा ऑयल है, तो वो मिनरल ऑयल है। क्या कौन सा ऑयल है, तो मिनरल ऑयल है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि मैंने बताया आपको कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कुछ कुछ विधि इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली यहाँ मैंने 5 विधि लिख कर रखी है, आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी क्या है वाकई में ये चीज और करना क्यों चाहिए। तो कोई मशीन का मैंने बताया कि अपना रेजिस्टेंस होता है, गर्म 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 होगा तो गर्म होगा तो उतना हीट होने के बाद क्या वो वही एफिशिएंसी दे पाएगा। आप खुद से सवाल देख सकते हो ये चीज कि कोई भी अगर जो है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन या कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर गर्म होता है, अगर गर्म होता है तो क्या वो उतना एफिशिएंसी दे पाएगा, तो सवाल यहीं पे, तो एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। तो उसका कुछ कारण और निवारण होता है। क्या होता है, कारण और निवारण होता है। तो चलिए जानते हैं पहला ट्रांसफार्मर की जो है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए विधि कौन सा है। तो नेचुरल एयर कूलिंग पहला है। पहला क्या है, नेचुरल एयर कूलिंग। तो वो किसके लिए यूज होता है, तो जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हो नेचुरल एयर कूलिंग, ठीक है, नेचुरल एयर कूलिंग। सेकेंड है हमारा फोर्स्ड एयर कूलिंग। क्या है, सेकंड फोर्स्ड एयर कूलिंग है। क्या यूज कहाँ होगा, तो ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में होगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो एक चीज, यहाँ पे एयर मतलब क्या है, हवा के द्वारा ठंडा किया जाएगा। क्या ठंडा करेंगे, कई बार आप देखोगे ना कि कूलिंग ट्यूब के द्वारा जो है ठंडा किया जाता है ऑयल। कैसे, तो ट्रांसफार्मर के आसपास जो है बहुत सारे पाइप टाइप के आपको देखने मिल सकते हैं, स्ट्रिप लगे हुए इस टाइप के। उसमें क्या होता है, वो तेल उससे गुजर कर जाता है ना, तो जो हीट या जो टेम्परेचर तेल का होता है वो उतना देर का रास्ता सफर तय करने में क्या होता है, वो
वो जो है तेल ठंडा हो जाता है। क्या होता है? तेल ठंडा हो जाता है उस हिसाब से। थर्ड है हमारा ऑयल इमर्स्ड ऑयल कूलिंग, मतलब क्या? तेल में डूबा हुआ, ठीक है, तेल में डूबा हुआ ठंडा होने के लिए। इसका मतलब वही हुआ, तेल में डूबा हुआ ठंडा होने के लिए क्या करते हैं? जो आपका कंटेनर होता है ना, मैंने बताया था आपके जो पार्ट्स वाले जो वीडियो में, उसमें आप जाकर देख सकते हो, वो जब का कंटेनर इसमें वाइंडिंग्स ऑयल वगैरह भरे जाते हैं, तो उसमें जो है जब वाइंडिंग डालते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाला जो वाइंडिंग है, वो पूरा अंदर जो है पूरा ऑयल फिल्ड होता है। क्या होता है? ऑयल भरा होता है। तो कभी भी जब आप चालू करते हो मशीन को, तो क्या होता है? वाइंडिंग गर्म होता है, गर्म होने के बाद क्या होगा? तेल हीट होगा, ऑब्वियसली तेल हीट होगा। तेल हीट होने के बाद क्या होता है? कंजर्वेटर में जाता है, कंजर्वेटर से जो हीट है वो आपका जो ठंडा से ऑब्जर्व होकर वो ऊपर में ही जो है सारा प्रोसेस होके ठंडा होकर थोड़ा तेल वो क्या होता है वापस नीचे की तरफ वापस आ जाता है। तो ये क्या हो गया? ये वाइंडिंग ठंडा करने का एक तरीका है। नेक्स्ट हमारा है ऑयल फास्ट कूलिंग, और पांचवा है ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग। ये भी है तेल में डूबा हुआ ठंडा होने वाला पानी के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया ट्रांसफार्मर का जो ठंडा रखने का विधि। तो आज हमारा उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर प्राय जो है ना, ऐसा कोई नाम से नहीं जानता होगा, ठीक है। मैं पढ़ी हूँ उसके बारे में, तो मैं बता सकती हूँ कि ऑटो ट्रांसफार्मर, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर को आपको सिंपल अगर जानना होगा तो क्या बोलेगा आदमी? स्टेबलाइजर भी यूज होता है। क्या होता है? स्टेबलाइजर में आप देखते हैं जनरली कि स्टेबलाइजर का फंक्शन होता है ना कि आराम से आप वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हो, जिस तरह का जब वोल्टेज हमको चाहिए होता है। तो क्या होता है? चाहिए हमको जितना वोल्टेज, हम लोग क्या करते हैं वो जो नोब रहता है उसका हमको घुमाने के बाद क्या होता है? वोल्टेज अप हो जाता है, नीचे करने पर वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जनरली जो है कोई इसको ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं बोलता, उसको स्टेबलाइजर बोलता है। तो हम ये चीज जो हम पढ़े इसलिए हम बता रहे हैं कि इसका क्या बोलेंगे, इसको मेनली होगा क्या इसका नाम? तो होगा क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर नाम से क्या पता चल रहा है आपको? ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक। क्या होता है? ऑटोमेटिक। और आपका ट्रांसफार्मर जो जो है ट्रांसफर करेगा वोल्टेज, जो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा वोल्टेज फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ठीक है। कैसे होगा? तो मैग्नेटिकली होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बारे में आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में ही, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका फिगर मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप एक चीज देखोगे यहाँ पे कि कितना जो है ये वाला आपको जो ये फिगर आपको दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इस फिगर में हो क्या है? तो एक ही वाइंडिंग दिया है आपको। तो आप पूछोगे, आप बोलोगे मुझसे कि अब मैम आप जो फर्स्ट क्लास से पढ़ा रही हैं कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं, पहला प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर एचटीएलटी वाइंडिंग होता है। तो सही है, मैंने वो भी पढ़ाया था वो भी सही है, और अभी ये जो पढ़ा रही हूँ ये भी सही है। क्यों सही है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर नाम ही इसलिए रखा गया ना क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होता है। क्या होता है? एक ही वाइंडिंग होता है। तो जब आप जब यूज करते हो ना, तो कभी ये प्राइमरी का काम करता है, कभी सेकेंडरी का काम करता है। मीन्स क्या? कभी ये जो स्टेप डाउन का काम करेगा, कभी ये आपका स्टेप अप का काम करेगा। अब क्वेश्चन यही रुकता है कि जब मैम एक ही आपके पास वाइंडिंग है तो वो सेकेंडरी भी हो गया आपका, प्राइमरी भी हो गया, चलो यहाँ तक ठीक है, फिर स्टेप डाउन और स्टेप अप काम कैसे करेगा? तो काम कैसे करेगा यहाँ पे स्टूडेंट लोग, काम कैसे करेगा? तो यही जो वाइंडिंग है ना, ज्यादा सिरा, ज्यादा वाइंडिंग जब प्राइमरी की तरफ होगा और कम वाइंडिंग, देखिए यहाँ पे मैंने फिगर से दिखाया था, मैंने मिडल में किया है, अगर ये वाला उठ के यहाँ चलाता है, यहाँ चलाता है, फिगर में देखो यहाँ चलाता है, क्या हो गया? ये वाइंडिंग ज्यादा हो गया आपका, ये वाला ये कम हो गया, उस टाइम क्या होगा? ये प्राइमरी ज्यादा होगा और सेकेंडरी कम होगा, तो ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली क्या होगा, इस फिगर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूं, ये वाला मैं यहाँ से ले आती हूँ, यहाँ पे ले आती हूँ, तो उस टाइम क्या हो गया? ये ऊपर वाला जो है टर्न आपको ज्यादा दिखने लगा। तो मतलब क्या? सेकेंडरी तरफ ज्यादा होगा और प्राइमरी तरफ कम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया हो। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जिसको देखो आप, और मेरा वीडियो आप लोगों से जो है ना निवेदन है कि मेरा वीडियो जो है पूरा का पूरा जो है स्टार्टिंग से एंड तक देखें, क्योंकि मैंने बहुत सारा इसमें बेसिक बेसिक चीज बताया आपको। और अगर डेफिनेटली आप एक से दो बार अगर वीडियो को देखते हो तो क्लियर है कि आपका चैप्टर क्लियर होना ही होना है, ठीक है। तो वीडियो को बिना पॉज किए आप क्या करो? देखते रहो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है बता रही हूँ अब क्या हो रहा है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में आप देख रहे थे कि ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कितना था मेरा? एक ही था वाइंडिंग, ठीक है, एक वाइंडिंग था और काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था? तो एक ही वाइंडिंग को मैंने ज्यादा जब वाइंडिंग जिस तरफ लिया और जो है प्राइमरी की तरफ ज्यादा लिया, सेकेंडरी की तरफ कम, तो क्या हो गया? स्टेप डाउन हुआ। और सेकेंडरी में ज्यादा लिया, प्राइमरी में कम, तो वो स्टेप अप हो गया। क्लियर है? ये फिगर वही दिखा रहा था आपको, ठीक है। यहाँ पे भी जो सप्लाई के लिए दिखाया गया, एल जो लोड के लिए दिखाया गया था, ये हो गया। अब आते हैं
एडवांटेज के तरफ, ठीक है। तो कोई भी चीज जो होता है ना, उसका लाभ और हानि दोनों होता है, और खासकर आप जाओ इलेक्ट्रिकल के पार्ट में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो लाभ देगा और हानि नहीं देगा, या हानि देगा तो लाभ नहीं देगा। बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है आजकल के जनरेशन में या आजकल के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन आप सही से देखो, अगर जानकारी नहीं होगा तो आप उसको जो है टच नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब क्या है, आप जो बिजली का काम जो है नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं पता उसके बेसिक नॉलेज के बारे में। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ इस चीज से कि जो भी आपका जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन होगा उसका लाभ और हानि होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का लाभ और हानि, क्या पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि। तो लाभ में क्या हो सकता है, आप खुद ही सोचो, थोड़ा सा थिंक करो कि लाभ में क्या हो गया। पहला तो आपका एक ही वाइंडिंग है, तो एक वाइंडिंग होगा तो जो भी वाइंडिंग इससे बना होगा तांबा से कॉपर से, ठीक है, जो भी है, तो क्या होगा उसका खपत, क्या होगा उसका खपत कम होगा। क्लियर है यहाँ पे पहला पॉइंट। ये देखिए मैं देख के नहीं बता रही हूँ, आप खुद भी जो है ना ये चीज देख सकते हो, ठीक है, कि एक ही वाइंडिंग होगा तो ऑब्वियसली जो भी आप यूज करोगे वाइंडिंग के लिए, जो भी वायर जो भी यूज होता है का कॉपर का वायर, वो क्या होगा, कम यूज होगा। सेकेंड जो हमारा है वो क्या होगा, इसका जो प्राइस होता है, इसका प्राइस क्या होगा, कम होगा, लो प्राइस का होगा, ठीक है, इसका प्राइस लो होता है। तो एडवांटेज में ये दो, और डिसएडवांटेज में आपको बताओ तो डिसएडवांटेज इसका जो है ना, आप सोच नहीं सकते हो, मतलब कि इतना फायदा है तो नुकसान भी है। एक वाइंडिंग होने के कारण शॉक लगने का खतरा इसमें रहता है, सिर्फ एक ही वाइंडिंग है इसलिए क्या होता है, इसमें शॉक लगने का खतरा होता है। और सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या, कि जब सेकेंडरी में मेरा लोड नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली जब शॉक मारेगा, मतलब क्या कि उसमें क्या होता है, शॉक लगने का खतरा जो है 100% बढ़ जाता है, किसमें, जब सेकेंडरी में लोड नहीं होता है। तो क्लियर है यहाँ तक, तो चलिए ये भी पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया। यूजेस में आते हैं, तो यूजेस में आने के बाद क्या, अब उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए मैंने आपको जो है प्रीवियस वाला वीडियो बताया था वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताया था, V0 - V/V0, ये वाला। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो रहा था, आखिर वो क्या रहा था, तो जब आप लोड देते हो ना, जब लोड देते हो ट्रांसफार्मर, तो कुछ चेंजेस आता है वोल्टेज में, आपका प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज में। तो इस टाइम जो ये जो चीज है पूरा वोल्टेज रेगुलेशन का पार्ट है, जो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो ये जो है कहाँ यूज होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है वोल्टेज स्टेबिलाईजर में, जो प्राय सबके घरों में होता है। आजकल इन्वर्टर का टाइम हो गया है इन्वर्टर का, और अगर आप पहले के जमाना में जाओ, कोई काम में जाओ, तो क्या होता था, 220 का सप्लाई तो रहता था मेरे पास, लेकिन क्या होता था, सही वोल्टेज नहीं मिल पाता था। 220 बोलते थे कि वोल्टेज आ रहा है, लेकिन आप जब भी बल्ब जलाओ 100 वाट का, तो क्या होता था, पूरा फिलामेंट जलता था, रोशनी जरा भी नहीं होती थी। तो उस टाइम क्या यूज करते थे, स्टेबिलाईजर यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे, जहाँ बहुत एसेंशियल होता है क्योंकि पावर को बहुत बढ़ाना है उस टाइम में, ठीक है। सेकंड हमारा है आपका मोटर वोल्टेज रेगुलेशन के, जैसे मैंने अभी बताया था आपको V0 - V/V0। और तीसरा जो हमारा है इंडक्शन मोटर स्टेटर, कहाँ यूज होता है, इंडक्शन मोटर स्टेटर। तो अब जो ये पूरा जो आप देख रहे हो, इतना जो मैंने लिखकर आपको बताया, इसके बाद जो है हमारा जो पोर्शन आता है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में आता है। क्या आता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, क्योंकि जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर से भी रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो रेगुलर वो जो उसका कनेक्शन होता है वो मैं नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगी आपको। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता क्या, अच्छा सिंगल फेज क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है। क्या आप जब बोल सकते हो मैम की वर्क आप जो है बता रही हो सिंगल फेज, ये थ्री फेज, ठीक है। तो आपको बताया होगा मैंने कि अगर फेज के अनुसार देखो ना, तो फेज के अनुसार दो टाइप का होगा, पहला होगा सिंगल फेज, दूसरा होगा पॉली फेज। तो पॉली फेज जो होता है उसमें क्या आएगा, टू फेज आएगा, थ्री फेज आएगा, सिक्स फेज आएगा। अभी जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं ना, जैसे जैसे एजुकेटेड हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और सिस्टम को जो है बता रहे हैं कि आसान करते जा रहे हैं। पहले सिक्स फेज नहीं हो सकता था, बट अब क्या होता है, सिक्स फेज कर लेते हैं लोग। पहले पॉली फेज में सिर्फ वन फेज, टू फेज आता था, थ्री फेज आता था, अब सिक्स फेज भी आने लगे हैं ना। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर जिसमें थ्री फेज होंगे, कितने होंगे, थ्री फेज होंगे। कैसे कैसे होंगे, तो इसका इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जामिनेशन में, आपके जॉब वाले एग्जाम में हमेशा पूछता है, जो थ्री फेज का जो पावर, थ्री फेज का जो आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो कितना होता है, 120 होता है। थ्री फेज होगा तो मतलब यहाँ पे किसका किसका यूज होगा, आर वाई और बी का, रेड का, येलो का, ब्लू का, यहाँ पे यूज होगा। क्लियर है। अब
तो ब्लू, तो आप थोड़ा सा पैक आते हैं थोड़ा सा और पॉलीफेज में आते हैं। तो पॉलीफेज मैंने आपको बताया था, जब पॉली मतलब क्या था, एक से ज्यादा फेज, तो ये एक से ज्यादा फेज का ही चर्चा हो रहा है ना। तो पॉलीफेज में जब हो रहा है तो आरवाई बी जब आपका बात हो रहा है तो आरवाई बी जो है जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, तो मैंने बताया था आपको दो तरीकों से जुड़ेगा। पहला क्या है, स्टार कनेक्शन हो सकता है। सेकंड वाला क्या है, डेल्टा कनेक्शन हो सकता है। पहला क्या है, स्टार कनेक्शन, दूसरा डेल्टा कनेक्शन। तो जो मैं जो कल का जो मेरा वीडियो रहेगा इसी में बेस्ट रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आया, और वीडियो को ढेर सारा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। सो आज के लिए थैंक यू।